एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी फूड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल के पकौड़ों की बहुत ही इजी रेसिपी। ये पकौड़े बहुत ही क्रंची बनते हैं और इन्हें क्रंची बनाने की जो ट्रिक है वो मैंने आपको आगे अपनी वीडियो में बताई है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बड़ी ही टेस्टी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मूंग की धुली हुई दाल और 1/2 कप छिलके वाली दाल। छिलके वाली दाल का हमें छिलका नहीं निकाला है क्योंकि इसी की वजह से हमारे पकौड़ों में क्रंच आएगा। तो मैंने इन दोनों दालों को अच्छे से धोकर लगभग 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था और अब मैंने इन्हें पानी से अलग कर लिया है और अब हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपनी दोनों दालों को एक जगह पीस लिया है और मैंने इनको बिल्कुल एकदम स्मूथ बैटर नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा पीसना है। मैंने थोड़ा सा दरदरा पीसा है और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ चॉप करे हुए प्याज और हरी मिर्च। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च और धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और एंड में गरम मसाला। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अपने दाल के बैटर में और बैटर बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं एक स्पून की हेल्प से इस तरीके से अपने सभी पकौड़े बना लूँगी। आप इनको अपने हाथों से भी बना सकते हैं। तो अभी एक साइड से सिक चुके हैं, तो अब इन सभी पकौड़ों को हम पलट लेते हैं। तो हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर सेकना होगा क्योंकि अगर हम हाई पर सेकेंगे तो हमारे पकौड़े बाहर से तो बहुत जल्दी पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पकौड़े अच्छे से सिक चुके हैं। अब आप इन्हें एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसी तरीके से मैं अपने बाकी के सभी पकौड़े भी बना लूँगी। तो चलिए अब अपने पकौड़ों को सर्व करते हैं। तो देखा कितनी इजी रेसिपी थी। यहाँ पे हमारे मूंग दाल के पकौड़े बनके बिल्कुल रेडी हैं और सच में बहुत ही ज़्यादा क्रंची बने थे क्योंकि हमने इसमें छिलके वाली दाल का भी यूज़ करा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और आपको अगर और भी रेसिपीज चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उन पर भी वीडियो बनाऊँगी। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।